वेलकम टू शर्मा चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह रमजान आने वाला है तो रमजान की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। आज मेरे किचन में मजेदार से चीज बाउल बन रहे हैं और ये रेसिपी को देखने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, वॉच दी फुल वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चाहे दो मिनट लगते हैं उसे जाके सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़े मज़े के दस्तरखान और मज़े मज़े की व्लॉगिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हैं चीज़ बॉल की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मैंने ना आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको अच्छी तरह बॉईल करके अच्छे से मैंने ग्रेट करके रख लिया है। ठंडा हो जाए तब आपने इसको ग्रेट करना है। हाफ बार मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आप चाहे चेटर चीज़ भी डाल सकते हो। उनको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में इस तरीके से कट कर लिया है और मैंने लिया है ब्रेड क्रम लिया है और दो अंडे लिए हैं। कम लगे तो आप एक और अंडा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैंने धनिया और पुदीना लिया, उसको अच्छी तरह वॉश करके मैंने चॉप कट कर लिया है और 5 से 6 हरी मिर्ची ली, उसे भी चॉप कर लिया। स्पाइसेस तो बिल्कुल सिंपल है, 1/2 टीस्पून सारे स्पाइसेस हैं, चिली फ्लिक्स है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून से कम है, नमक 1/2 टीस्पून है और काली मिर्च है। आप इसी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, ये इंग्रेडिएंट्स हमारी चीज़ बाउल बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिक्सर हमने आलू को ग्रेट किया उसके अंदर ना हम धनिया पुदीना और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है क्योंकि रमज़ान में अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं उसके अंदर थोड़ी सी और हरी मिर्ची चॉप कट करके आप ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आपके आलू जो है ना ठंडे हुए हों तो ही आपने इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स करना है, वरना ये पतले हो जाएंगे और ये बाउल इसके नहीं बनेंगे और चीज़ भी बाहर आ जाएगी। आपने इसको ठंडा कर लेना है तब आपने इसको मिक्स करना है, स्मैश करना है। ये अच्छे तरीके से मैंने इनको मिक्स करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके बाउल बना लेंगे। आप लोगों का ना धनिया बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, अगर गीला होगा तो जो उनका पेस्ट है ना वो पानी ही बन जाएगा, अच्छे बाउल नहीं बनेंगे। ये लीजिए ब्रेड क्रम भी रेडी है, चीज़ भी रेडी है और हमने अंडों को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा ही मैंने काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, हाथ से अब बॉल बनाना इसके स्टार्ट करते। थोड़ा सा हमने पेस्ट लिया, इसको थोड़ा सा दरमियान में फैला दिया। फैलाने के बाद एक चीज़ का टुकड़ा रखा, फिर चारों साइडों से इसको गोल गोल राउंड राउंड घुमा दिया। अच्छे से हमने इसको फोल्ड कर देना ताकि चीज़ जो है ना इसके अंदर बिल्कुल छुप जाए। इस तरह हम इसके बॉल बना लेंगे। फिर हमने ऐसे ही लिया, इसको फैलाया और बीच में हमने एक चीज़ का पीस रख दिया और चारों साइडों से इसको हम कवर कर देंगे। इसको अच्छे से राउंड राउंड घुमा के इसके बॉल बना के रख लेंगे, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं वैसे ही हम इसका बना के रख लेंगे। तो बस सारे मैं ऐसे ही रेडी करके मिलती हूँ क्योंकि अभी मैं पहले बाउल बनाऊँगी, फिर बाद में ब्रेड क्रम, फिर अंडा लगाऊँगी, ये बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। बस आप लोगों ने एहतियात करना है, गीला हाथ ना हो। सो गाइस सारे रेडी हो चुके हैं बाउल, अंडा भी रेडी हो गया, ब्रेड क्रम भी। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, अंडे में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम में डिप कर देंगे। ब्रेड क्रम हम चम्मच के साथ उसको अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड सारा लगा देंगे, ब्रेड क्रम लगा देंगे। अगर ब्रेड क्रम नहीं है आपके पास तो आप रस का चूरा भी ऐड कर सकती हैं। घी मेरा फुल गर्म हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर 1 बाय 1 करके सारे जाऊंगी। फिर आपको बता देती हूँ, पहले हमने अंडा लगाया, फिर हमने ब्रेड क्रम लगा दिया, फिर अंडा लगाया, फिर ब्रेड क्रम लगा दिया, इसको फ्राई कर लिया। हाई फ्लेम आपका हो तब आपने इसके अंदर चीज़ बाउल ऐड करने हैं, पहले आपने नहीं करने। अगर आप पहले ऐड ठंडे घी में कर देंगे आपके टूट जाएंगे और सारा ही ना घी में फिर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ठंडे घी में आपने बिल्कुल भी इसको ऐड नहीं करना, हाई फ्लेम हो तब आपने इसके अंदर ऐड करना है। फिर आप थोड़ा सा लो कर दें, फिर जब आपने निकालने तब भी आपका हाई फ्लेम हो क्योंकि वरना घी इसके अंदर ही रह जाएगा। आपने हाई फ्लेम में ही डालना है, हाई फ्लेम में ही निकालना है, दरमियान में आपने लो कर देना है। सारे मैं ऐसे ही रेडी करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं रमज़ान स्पेशल चीज़ बाउल। जल्दी से बजा के बनाएं और उसको ट्राई करें और रमज़ान में ये भी प्लेट आपकी दस्तरखान पे लाजमी होनी चाहिए। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। सो गाइस, जिसको बनाना आता होगा उसके लिए आसान है, जिसको नहीं बनाना आता होगा उसके लिए मुश्किल होगा ये।
जरूर ट्राई कीजिएगा। आलू जो है ना आपके एक कनी जो है ना वो कच्चे होने चाहिए, फिर आपने उसको ग्रेट करना है, फिर आपके ना बाउल बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि ज़्यादा हम आलू कुक कर लेंगे ना तो फिर वो बहुत पतला पेस्ट हो जाएगा और पानी का एक कतरा नहीं होना चाहिए, फुल ड्राई हुए हो फिर आपने उसको ग्रेट करना है, फिर आपने उसको मैश करके इसके बीच में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके फिर आपने इसको बॉल बना के फ्राई कर लेना है। आपका धनिया भी जो है ना वो भी आप लोगों का गीला ना हो, हाथ भी गीले ना हो, ड्राई होने चाहिए, फिर आपके चीज़ बॉल कोई बनेंगे आधे के और वेरी डिलीशियस बनेंगे। और जब भी आप किसी की इफ्तारी करवाएं आप उसमें ये ऐड करें डिश और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं इसके अंदर दो और हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर सकते हैं। मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नई वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।